नमस्कार दोस्तों, तो आज भी और एक और नया टिप्स है जो वो है टॉप 5 एक्शन हीरो। एक्शन हीरो कोई भी नहीं बन सकता है, उसके लिए पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। और हम आज जानेंगे कि एक्शन किनको सूट करता है किनको नहीं सूट करता है, तो वो हम जानेंगे राजू सर की जुबानी। जैसे कि टॉप 5 एक्शन हीरो की बात करें तो जैसे अमिताभ जी है, धर्मेंद्र जी हैं, हमारे प्यारे जो टाइम के थे अक्षय कुमार जी, सुनील शेट्टी जी, अभी जो हैं वो टाइगर श्रॉफ हैं, विद्युत जामवाल हैं। तो ये सारे हमारे टॉप हीरोज़ हैं जो एक्शन में हमेशा रहे हैं एक लेवल पे और रहेंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री है उसका जो एक्शन का जो एक लाइफ है उसको इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। तो इनकी मेहनत है और इनका इतना एफर्ट है कि इतना प्रैक्टिस करते हैं और समय देते हैं, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने आप को तैयार करके रखते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। अमित जी को हम जब देखते थे, उनका शुरुआत होता था एक्शन से, जब वो दौड़ते थे तो पैरों से शुरू होता था फिर फेस तक दिखा देते, तो उनका जो होता था वो दौर का फाइट से ले करके अभी दौर तक हमेशा एक्शन हीरो रहे हैं और कर रहे हैं अपने अपने जगह पे और अलग अलग चीज़ों को लेकर के। और तब से अब तक बहुत ज़्यादा एक्शन में चेंजेस आए, अपडेट्स आए हैं जो अब की एकदम पूरा धमाल है। तो अगर हम अमिताभ जी की टाइम की बात करें तो उनका कैसा था एक्शन में स्टाइल, मतलब एक एटीट्यूड था, एक पर्सनैलिटी होती थी। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हम एज अ एक्शन डायरेक्टर अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है और हम जब उसके लिए फाइट सीक्वेंस को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये बहुत ध्यान देते हैं कि वो हीरो कौन है। अगर समझ लीजिए नवाजुद्दीन जी हैं और उनके लिए हमको चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स टाइप का बनाना है मूव्स, तो वो नहीं कर पाएंगे। उनका जो पर्सनैलिटी है वो एक्टर कमाल के हैं और उनके जो एक्टिंग बेस है हम उसको ध्यान में रखते हैं और उनके एक्टिंग के बेस के हिसाब से ही उसका कोरियोग्राफ किया जाएगा जिसमें वो एग्रेसिव दिखे। तो अगर नवाज जी का मैं बात करूँ तो उनका कैसा है कि जो भी हम कोरियोग्राफ करते हैं तो उनका क्या इंस्टेंट, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके उनका एग्रेसिव वाला हम कर सकते कि कोई भी समझो ईंटा उठाया, पत्थर उठाया, डंडा उठाया, मारा, दौड़ा, ये लटक गए, पटक दिया, मतलब भले ही वो चार मारे लेकिन वो एग्रेसिव वाला मारेंगे उस टाइप का। अगर हम उसी को लेकर के अगर हम अलग फाइट की बात करें जैसे मार्शल आर्ट रिलेटेड चीज़ें, तो मार्शल आर्ट रिलेटेड में भी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। जैसे कि अगर जॉन जी जो हैं, जो अगर जॉन जी के लिए मैं फाइट कोरियोग्राफ करूं या टाइगर के लिए करूं तो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स मूव्स के साथ मैं अगर जॉन जी के साथ करूं तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बॉडी टाइप ऑफ अलग है। तो हमको कैसा सोचना पड़ता है कि अगर जॉन जी हैं तो उनके साथ में इनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा मार्शल आर्ट फॉर्म स्टाइल जाएगा। तो समझ लीजिए मोए थाई क्लोज कंबाइंड फाइट जाएगा तो हम उसके बॉडी लैंग्वेज के उस हिसाब से करते हैं क्योंकि वो ताकतवर दिखते हैं और पर्सनैलिटी हैवी है। टाइगर श्रॉफ है तो उनको पता है वो फ्लेक्सिबल है, किधर भी वो जंप कर सकता है, उठ सकता है, तो पूरा हम उसके साथ कोई भी मूवमेंट, मतलब वो समझ लीजिए चाहे वो विद्युत जामवाल जी हों चाहे वो टाइगर श्रॉफ हों, हम लिमिटलेस कोरियोग्राफी कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज वो है और उस हिसाब से वो कोई भी चीज़ करा सकते हैं हम उनसे, चाहे वो हैंड टू हैंड हो, चाहे वो किक्स हो, वो मतलब थोड़ी सी हमारी लिबर्टी बढ़ जाती है सोच की कि हम इजीली सब चीज़ें कर सकते हैं। अभी जैसे कि जो टाइगर श्रॉफ के साथ हम कोरियोग्राफ कर सकते हैं वो विद्युत जी के साथ कर सकते हैं क्योंकि वो सिमिलर बॉडी टाइप ऑफ चीज़ें हैं। अगर सेम अगर टाइगर श्रॉफ के जैसा मैं बॉडी लैंग्वेज अगर सनी जी के लिए करूँ तो नहीं होगा, उनका बॉडी टाइप अलग है तो उनके हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से ही जो फाइट है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं ताकि उनका करेक्टर और उनके स्टाइल उसका पर्सनैलिटी पे जाए, ये चीज़ का हम बहुत ध्यान देते हैं। एक्शन के लिए फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक्शन के लिए कहें या नॉर्मल लाइफ में भी फिटनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान हेल्दी एंड हैप्पी रहना चाहता है। और जो भी चीज़ें चल रही हमारे देश में या बाहर में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं उसके लिए तो और ज़्यादा फिट रहना चाहिए सबको। और सिंपल सी बात है, आप
थोड़ा खाने पीने का ध्यान दें, थोड़ा वर्कआउट करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम से सिक्स पैक निकाल लो, नहीं। लेकिन हमारे जो स्टार्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो परफॉर्म करते हैं, जो एंटरटेन करते हैं हमको, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको मेंटेन करना पड़ता है सारी चीज़ें, और उनको घंटों घंटों मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर समझ लीजिए किक्स को, क्योंकि सिर्फ एक बार करने से नहीं होता है, हमें मार्शल आर्ट्स के लिए हर दिन वो टाइम देना पड़ता है और वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जा कर के बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथ, टाइमिंग, वो सब चीज़ें होता है। तो इसके लिए बहुत एफर्ट है और इसको बहुत मेंटेन करके रखना।